हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं तरुण अग्रवाल, आप सभी का एक्सपेरिमेंटल गुरु चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में नॉलेज ही नॉलेज है। इस वीडियो में हम 3 एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। और मैं आपको एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो में दिखाए गए एक्सपेरिमेंट्स को आप घर पर या कहीं पर भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके लिए मैं हूँ ना। और हम इस वीडियो में जितने भी केमिकल्स यूज़ करने वाले हैं वो मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। ये भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ना कि आप मेडिकल स्टोर पर से लाकर इसे घर पर परफॉर्म करें। और इनमें से जो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक, डेंजरस और अमेजिंग है। तो आइए चालू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट और शुगर। हम शुगर ले लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और शुगर को हमें 50-50 के रेशियो में मिलाना होगा। देखिए इस पर हम लकड़ी से रब करने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मैजिक दिखा होगा। नहीं, इस डिश के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने इस माचिस की तिल्ली के ऊपर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया था और ये जल जाती है। फ्रेंड्स, हमारा आखिरी और सबसे डेंजरस और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चाहिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। सल्फ्यूरिक एसिड में हम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों को मिलाने से एक केमिकल तैयार होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टची केमिकल। ये केमिकल बहुत ही डेंजरस होता है। फ्रेंड्स, आप देखिए ये कितना डेंजरस है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नॉन टची केमिकल, इसे हम कौन से भी ऑर्गेनिक चीज़ों पर डालने से वो जल जाती है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसके अंदर जो ग्रीन सॉल्यूशन दिख रहा है वही छे नॉन टची केमिकल। इसे हम मैग्नीस हेप्टोक्साइड भी कहते हैं। यह बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ। ये इनऑर्गेनिक चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इनऑर्गेनिक चीज़ मतलब जैसे कि ये कांच का बर्तन हो गया और मिट्टी के बर्तन हो गए और लोहा हो गया, इनऑर्गेनिक चीज़ों के साथ। तो आइए हम इसके और थोड़े रिएक्शंस देखते हैं। तो हम इस रोटी को इसके अंदर डाल कर देखते हैं क्या होता है। पर बहुत ही सावधानी से करना होगा हमें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फ्रेंड्स, ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट करने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको नॉलेज और फन मिले। तो थे ना ये तीनों एक्सपेरिमेंट कमाल के। लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।